रायबरेली में स्तन कैंसर से महिलाएं कैसे बचें, इसके लिए आयोजित की गई कार्यशाला। अक्टूबर का महीना विश्व स्तन कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज रायबरेली में भारत विकास परिषद और राइजिंग चाइल्ड स्कूल के संयुक्त कार्यक्रम में एम्स की टीम ने जागरूकता अभियान चलाया। सर्जरी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता सिंह ने बताया कि स्तन कैंसर से बचने के लिए महिलाओं को जागरूक होने की ज़रूरत है। प्रारंभिक स्तर पर किसी भी प्रकार की स्तन से संबंधित समस्याओं में चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। राइजिंग चाइल्ड स्कूल की प्रधानाचार्य सीमा श्रीवास्तव के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य महिलाओं में इस गंभीर बीमारी के बढ़ते मामलों में कमी आए और महिलाएं जागरूक हों, इसके लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कैंसर अनुवांशिक होता है, पर ऐसा पाया गया है कि 70% केसों में ये स्तन कैंसर अनुवांशिक नहीं होता है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके परिवार में किसी को कैंसर है तभी आपको होगा, ऐसा नहीं। जिन्होंने हमारा सहयोग देते हुए, मींस हमारे राइजिंग चाइल्ड को सहयोग देते हुए, हमारे शहर की और जो नई जुड़ी हुई, नई तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो अब अवेयरनेस फैलाने के लिए जगह 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 अलग अलग तरह की एक्टिविटी कराई जाती है हमारे कॉलेज में भी। मैं सीमा श्रीवास्तव, राइजिंग चाइल्ड स्कूल की प्रिंसिपल, भारत विकास परिषद की पूर्व अध्यक्ष। आज महिलाओं को लेकर क्या कार्यक्रम रखा गया? महिलाओं को लेकर मेरा यही जवाब है कि जो एम्स रायबरेली हमारे बीच में आए हुए डॉक्टर्स, डॉक्टर श्रीवास्तव जी एंड डॉक्टर सुनीता सिंह जी और डॉक्टर अमित गुप्ता जी अपनी टीम के साथ जो अवेयरनेस का प्रोग्राम लाए, जैसे कि आप जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर को लेकर ये माह चल रहा है अक्टूबर का माह, उसमें जो अवेयरनेस लाए निश्चित रूप से वो एक समाज में जागरूकता पैदा कर रही है। और हमारे बीच में फीमेल टीचर्स और फीमेल स्टाफ ज़्यादा है, और मैंने बाहर भारत विकास परिषद को पूरा जो इस तरह से जोड़ के ये कार्यक्रम हो रहा है, तो ये तो रायबरेली में एक पूर्ण रूप से जागरूकता का कार्यक्रम फैलाएगा और सबको सचेत रहना चाहिए और बहुत तरह की मिथक को छोड़कर जागरूकता में सहभागिता देना चाहिए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।